हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एस्ताक्लिन पी ड्रॉप के बारे में। हम पूरी जानकारी जानेंगे और ये आपके जो बच्चे होते हैं एक साल से नहीं, एक महीने से लेके एक साल तक के जो आपके बच्चे होते हैं ये उनके लिए ड्रॉप्स होते हैं। तो आज हम इस ड्रॉप के बारे में जानेंगे और इसके डोजेस के बारे में भी जानेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे मैंने आपको बताया ये बच्चों के लिए ड्रॉप है, जैसे कि एक महीने से लेकर एक साल तक के जो बच्चे होते हैं ये ड्रॉप उनको दी जाती है। तो ये किस चीज़ में उनको दी जाती है? तो ये जो उनको दी जाती है ये दी जाती है जैसे उनको खांसी हो जाना, इसमें आपको जो साल्ट मिलता है, देखिए एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड एंट्रिट या आपको जिसके अंदर साल्ट देखने के लिए मिलता है, ये आपके बच्चों को जैसे खांसी हो जाना ये उसमें आपके दी जाती है। ये एस्ताक्लिन पी जो है, ये देखिए एस्ताक्लिन पी जो है ये ड्रॉप ये उनको दी जाती है और इसके अंदर आपको ये दोनों चीज़ मिलती हैं, ड्रॉप एंड ड्रॉपर आपको इसके अंदर मिलता है। तो ये आपको किस तरीके से उनको देना चाहिए? अगर जैसे आपके बच्चे जैसे एक महीने से लेके चार महीने तक के हैं तो आप इसको दो दो बूंद सुबह और शाम दीजिए, इसमें भर लेना आप इसको और दो दो बूंद सुबह और शाम देना। और जैसे आपके बच्चे चार महीने से ऊपर हैं तो आप इसको तीन तीन या चार चार बूंद भी दे सकते हैं अगर उनको खांसी हो रही है तो। और एक बात का आप ध्यान रखें, जैसे कि दो से तीन दिन के अंदर अंदर आपको अगर इससे असर देखने के लिए नहीं मिलता है अगर आपके बच्चे को, तो आप क्या करना, आप अपने किसी भी करीबी डॉक्टर के पास जाना, उनको दिखाना और उनकी मतलब की सलाह के बिना कोई भी अदर मेडिसिन अपने बच्चों को मत देना, क्योंकि वो नन्ही सी जान होते हैं, उनको ज़्यादा जैसे कि अगर मेडिसिन गलत दे दी जाती है तो उनकी जान पर भी बनाती है। तो इसलिए आप ध्यान रखना, अगर कोई भी अगर आप सेल्फ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जो अपने आप उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप अपने आप उनको कोई दवाई देने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको एक से या दो दिन तक देखिए, अगर उससे असर दिख रहा है आपके बच्चे पर तो आप उसको पिलाइए, तो अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपने बच्चे को किसी भी करीबी डॉक्टर के पास ले जाइए उसकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने से पहले। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ जाकर अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।